छोड़िए हटाइए तब मैं यहाँ से महाराजी हन आप हाँ। मैं मास्टरों को रेलू कि नहीं रेलू। आपने यहाँ सवाल किया वो व्यक्ति। अच्छा ये बताइए ये डाटा कहाँ से लाते हैं दादा? बहुत दुख होता है जब इस तरह के लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब टीपू सुल्तान उर्फ समर जेल में बंद है। गलती बस इतना ही था कि समर अपने YouTube चैनल में एक वीडियो प्रसारित कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और समर पुलिस के लपेटे में आ गए। राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री और जम्मो पार्टी के नेताओं की परेशानियां बढ़ गई, इसलिए समर को जेल में डालना ही एकमात्र सही रास्ता चुना गया। थाना में FIR के बाद टीपू सुल्तान उर्फ समर जेल में बंद है। वहीं समर के चाहने वाले काफी नाराज हैं। फेसबुक YouTube के पोस्टों वीडियोज में उनकी खूब तारीफें की जा रही है और घटना को लेकर खबर बनाने वाले मीडिया संस्थान पत्रकारों की खिंचाई भी शुरू हो गई है। समर को चाहने वाले लोग कहते हैं समर जमीनी स्तर के पत्रकार हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार बहुत बड़ी गलती कर दी है, सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। जब से फेसबुक और YouTube पर चैनल दिखाने की परंपरा शुरू हुई है तब से पत्रकारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हाथों में माइक और मोबाइल कैमरा लेकर क्षेत्र में घूमने वाले अपने आप को पत्रकार ही साबित कर लिया है। ये लोग पत्रकार ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हिस्सा भी बताते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है पत्रकारों को कौन नहीं डरते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं। प्रशासन भी पत्रकारों से उलझना नहीं चाहती है। कार्रवाई नहीं होने के आभास से पत्रकारिता की आड़ में पत्रकारिता का मुकुटा लगाए लोग घूमते हैं। YouTube फेसबुक में चैनल बनाकर कुकुरमुत्ते की तरह उगे हैं और शासन प्रशासन को पत्रकार होने की खुली चैलेंज दे बैठे हैं। यूट्यूबर और फेसबुकिया से प्रशासन सीधे सवाल पूछने नहीं जाती है बल्कि शिकायत मिलते ही जांच के साथ कार्रवाई शुरू कर देती है। ऐसे में लोगों को पुलिस की जांच में साथ देनी चाहिए ताकि पत्रकारिता के आड़ में पत्रकारिता का मुकुटा पहने लोग बेनकाब हो सके। अब बात करते हैं YouTube चैनल भोकाल TV और टीपू सुल्तान उर्फ समर के बारे में। फेसबुक और YouTube में अनगिनत न्यूज चैनल हैं, इसी में से एक भोकाल TV है और उनके संचालक टीपू सुल्तान उर्फ समर है। आप कहेंगे समर यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं, इसका जजमेंट अदालत ही दे पाएगा। समर पत्रकारिता की पढ़ाई करके भोकाल TV को खड़ा किया है या फिर अनुभव से पत्रकारिता के क्षेत्र में पांव रखा था, कहना मुश्किल है। लेकिन समर जमीनी स्तर की पत्रकारिता से लोगों का दिल जीता है। ना डर ना भय, निर्भीक होकर कहीं पर भी प्रवेश कर जाता है। सवाल पूछने का पकड़ है, सवालों से कोई एक की परेशानी भी बढ़ी है। समर वही है जिनके चैनल में 8 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है। बिल्कुल बिल्कुल, फोटो खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। दिक्कत है आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हैं आप हमको बताइएगा ना। ये क्या है मैडम? माइक है। माइक है ना, तो ये कौन सा, ये कौन लोग लेके आता है? आपसे हम परिचित नहीं हुए इसलिए आपसे परिचित नहीं हुए तो हम आपको बता देते हैं कि हम पहले आप आने आए हैं कुछ कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। हम भोकाल TV न्यूज चैनल से हैं, रांची से आए हुए हैं। प्लीज इसे हटाइए। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए। पहले आप मेरे से बात करेंगे ना कि आप कौन हैं, क्या हैं। आप आए और हमसे बात भी नहीं तो मतलब ये परमिशन लेके आना पड़ता है मैडम यहाँ पर? आपको ये नहीं कहना है कि परमिशन लेके आना पड़ता है, वही पूछ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये स्कूल है तो हम जरूर पूछना चाहेंगे कि आप कौन हैं। समर हुआ जिनके चाहने वाले लाखों, उनके रिपोर्टिंग से कई मजे लेते हैं, कई मुद्दे की खबर उठाने से हौसला बढ़ाते हैं तो कई सच दिखाने से गुस्साते हैं। लेकिन समर अपना सफर कभी नहीं छोड़ा और अनेक YouTube चैनलों की दुनिया में अपना जगह बना लिया है। लोगों की तारीफ से समर गदगद था। समर यही उम्मीद में था कि कभी मेरी परेशानी आएगी तो बहुत लोगों का साथ मिलेगा, चाहने वाले सड़क में आएंगे, गलत का विरोध करेंगे। कुछ दिन पहले समर अपने ही यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था। एक दिव्यांग व्यक्ति समर को देखकर भड़क जाता है और खटिया से उठकर डंडे लेकर दौड़ाता है। आगे पता चलता है कि दिव्यांग व्यक्ति को सभी पेंशन दिलाने का आश्वासन देकर चले जाते हैं और अब तक पेंशन ही नहीं मिल पाया है, इसीलिए गुस्से में है और पेंशन का उम्मीद छोड़ दिया है। जिस इलाके में समर ने खबर उठाया है वह इलाका झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा क्षेत्र बरहेट का बताया जा रहा है। सका हमने अलो 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 रे
बाकी लोग बताइए कि हम लोग आए हैं रांची से। बहुत दिल से परेशान है, कोई बता। देखिए ये लोग को पेंशन नहीं बन रहा, विकलांग है, ये भड़क गए हैं और हम लोग पर जो लाठी तान दिए तस्वीरों के मदद से। फोटो लेके गए कुछ कर भी नहीं। हम लोग बनवा देंगे इनका, इनको कहिए कि हम लोग बनवाने। ऐसे बोलता नहीं होगा। होगा होगा, हम करवाएगा आपका। हम पेंशन न खाओ बनाते करे खाती को साइल बड़े। हमरा चार डंटा तू मार ले, ले मार ले हमरा चार डंटा मार ले, हमरा तू मर बे मार ले। आप देख सकते हैं गरीबी बदहाली में किस प्रकार से लोग जी रहे हैं। ये विकलांग है, इनको पेंशन नहीं मिला है विकलांग वाला, इस कारण से ये गुस्सा गए हैं। ये लोग लाठी टान दिया हमारे ऊपर कि खाली लोग आता है कहता है कि बनवाएंगे बनवाएंगे, लेकिन बनिए नहीं रहा है। हेमंत सोरेन का विधानसभा है, अब बताइए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्षेत्र है, परहेट विधानसभा में है, हालांकि गोड्डा जिला में पड़ता है ये क्षेत्र। एक छोटी सी गलती से समर का सफर रुक गया और जेल में बंद। अपने यूट्यूब चैनल में किसी ने बयानबाजी कर दिया और समर फंस गया। इतना ही नहीं, पुलिस बयान देने वाले की तलाश में भी जुटी है। समर ने जो खबर अपने चैनल में प्रसारित किया है सभी सही है, लेकिन गलती बस इतना ही है कि असभ्य भाषा बोलने का आरोप है। तो ये आप सोचिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को किस प्रकार से दबाया जा रहा है। तो क्या भौकाल टीवी बंद हो जाएगा, क्या भौकाल टीवी जो है अब नहीं चलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भौकाल टीवी जैसे पहले से चलता आ रहा वैसे चलेगा, लेकिन आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग जो है हमें सपोर्ट कीजिए। और हम लोगों ने एक व्यक्ति जिसका नाम टीपू सुल्तान खान है, जो कि गढ़वा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है और शेष अन्य अभियुक्तों को चिन्हित करके गिरफ्तारी करने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल निष्कर्ष यह है कि अगर पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करके पत्रकारिता की जगत में पांव रखा जाए तो जिम्मेदारी में चूक नहीं होगी। पहले ही समझ और पकड़ में आ जाएगा कि गलत और सही क्या है। प्रेस या मीडिया के लिए कुल विशेष कानूनों का पालन करना सख्त जरूरी है, क्योंकि यह क्षेत्र सार्वजनिक है और इसका प्रभाव एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ता है। हालांकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 91A में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा लेखन मुद्रण चित्रण या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान किया है। इसी का लाभ सभी उठाते हैं, लेकिन जो पत्रकार नहीं है और अगर अपने आप को पत्रकार साबित करते हैं वह गलत है।